नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक अनियंत्रित गाड़ी मंदिर का गेट तोड़कर घुसी, पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल को रौंदा, बाल बाल बचा मोटरसाइकिल सवार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो आया सामने, जिसमें दो पक्ष एक दूसरे पर हमला करते नजर आए, घटना में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल। जयपुर में मेडिकल स्टोर चलाने वाले आदमी से शुरू हुई मारपीट, बदमाशों ने दुकान में घुसकर बेरहमी से पीटा, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के नागपुर में बीच सड़क पर चलती कार में भीषण लगी आग, गनीमत यह रही कार सवार बच गए। मुंबई के पास पालघर के बस डिपो पर दर्दनाक हादसे में गई बच्चे की जान, वहां लगे सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में भीड़ ने दो लड़कों को बंधक बना लिया, पोल से बांधने के बाद दोनों आरोपियों की लोगों ने जमकर की पिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। यूपी के आगरा जिले में प्राइवेट स्कूल वैन चालक की मनमानी का वीडियो आया सामने, जिसमें वैन चालक सीएनजी सिलेंडर के ऊपर छात्रों को बैठाकर स्कूल ले जाते दिखे, पुलिस ने वैन चालक को पकड़ा। नोएडा में हवाला कारोबारियों से बरामद हुआ कैश, यूपी एटीएस इनकम टैक्स और नोएडा पुलिस ने लिया एक्शन, अब तक 3,62,00,000 कैश बरामद। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ, रामागुंडम में उर्वरक प्लांट का भी उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी, सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़, 11 बजे तक करीब 18% मतदान हुआ। और हिमाचल के मंडी में जयराम ठाकुर ने डाला वोट, वोटिंग से पहले अपनी बेटियों के साथ की पूजा, मांगा जीत का आशीर्वाद। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे और हमीरपुर के मतदान केंद्र में सभी ने एक साथ वोट डाला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के बिलासपुर में डाला अपना वोट, इस दौरान लोगों से भी वोट करने की अपील की। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल के नेता नफरत फैला रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल पर और सरकार पर साधा निशाना और पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा महिला को उच्च पद पर देखकर जलते हैं। गुजरात चुनाव के लिए अहमदाबाद में कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी, अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी जिसमें कई लुभावने वादे भी किए गए। बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत 40 नेता होंगे स्टार प्रचारक, यूपी के सीएम योगी भी स्टार प्रचारकों में होंगे शामिल। महाठक सुकेश पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए हुआ तैयार, साथ ही सीएम केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की रखी शर्त, सामने आई सुकेश की 5वीं चिट्ठी। उद्धव ठाकरे गुट को झटका, सांसद गजानन कीर्तिकर ने थामा एकनाथ शिंदे गुट का हाथ, उद्धव गुट के अब तक 13 सांसद शिंदे गुट में हो चुके हैं शामिल। पीएफआई के खिलाफ जांच कर रही एनआईए ने बिहार के फुलवारी शरीफ के 40 लोगों को नोटिस किया जारी और एनआईए ने नोटिस के जरिए इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। और वहीं बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर इलाके में हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने आगजनी की कोशिश की और सड़क को जाम कर दिया, मौके पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। गुजरात में टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ एटीएस और जीएसटी विभाग संयुक्त रूप से छापेमारी कर रहा है, फर्जी बिल और करोड़ों के लेन देन को लेकर 150 जगह टीमों ने रेड की है। महाराष्ट्र के सतारा के बीच सड़क हुई फायरिंग और एक शख्स ने दूसरे शख्स को मारी गोली, सड़क के बीचों बीच हुई ये फायरिंग, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद जिले में घर में सो रहे एक आदमी की गला रेत कर हत्या कर दी गई लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य को खबर नहीं लगी, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। यूपी के फतेहपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। और भयंकर प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली होती जा रही है, सुबह देर आसमान में प्रदूषण की वजह से भयंकर धुंध छाई रही, दिल्ली में आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 दर्ज किया गया।
दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में भी हवा जहरीली बनी हुई है। नोएडा का आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली की अपेक्षा नोएडा में प्रदूषण थोड़ा सा कम रहा। चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से पड़ रही कड़ाके की ठंड। इतनी ठंड के बावजूद भी बद्रीनाथ धाम के पूजा करने के लिए पुजारी नंगे पांव ही दिखाई दिए। केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी। धाम बंद होने से पहले ही रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बीच भी पहुंच रहे हैं भक्त। कड़ाके की ठंड के बीच बद्रीनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। कपाट खुलने से लेकर अभी तक 17,14,263 यात्री हैं पहुंचे। और वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बदलते मौसम के बीच लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे कि ज्यादातर जगहें जो हैं वो भर से ढकी नजर आ रही हैं। बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। लगातार बारिश से लोगों की बढ़ रही है परेशानी। और तमिलनाडु के कुडलूर में भारी बारिश के बाद सड़क समंदर में हुए तब्दील। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। पानी में डूबी दिखाई दी गाड़ियां। मराठी फिल्म हर हर महादेव पर पढ़ा बवाल। शो रुकवाने पर एनसीपी नेता और विधायक जितेंद्र आहांड गिरफ्तार। विरोध में समर्थकों ने मुंब्रा बाईपास को भी किया जाम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसानों ने ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस वक्त यहां के खेतों में ऑर्गेनिक नींबू की फसल लहरा रही है, जिससे कि किसानों की आमदनी भी अब और ज्यादा बढ़ गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से नीरज चोपड़ा ने की मुलाकात। उनके आवास पर दोनों के बीच हुई बातचीत। पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक के बीच रिश्ता खत्म हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दोनों ने तलाक के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आदिवासी आबादी को मिल रहा है मुफ्त इलाज। अस्पताल में एक्सरे, डायलिसिस समेत दवाइयां भी मुफ्त में दी जा रही हैं। और वहीं साउथ अफ्रीका के अर्जेंटीना में भारी बारिश और ओला गिरने से परेशानी बढ़ती जा रही है। लोगों ने घरों से पानी निकालते हुए वीडियो भी पोस्ट किया है। वहीं फ्लोरिडा में निकोल तूफान ने मचाई तबाही। भयंकर बारिश और समुद्री लहरों ने शहर में मचाया कोहराम। समुद्र से आया सफेद झाग सड़कों पर दिखाई दिया। और वहीं वेनेजुएला में बाढ़ से हुई तबाही। भारी बारिश के बाद जगह जगह दिखाई दिया मलबा। समुद्र के किनारे बसे 20 घर भी टूट गए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्रूज सवार 800 यात्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। मेजेस्टिक प्रिंसेस क्रूज शिप न्यूजीलैंड से रवाना होकर सर्कुलर क्वे पहुंचा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लड़ेंगे 2024 का राष्ट्रपति चुनाव। 15 नवंबर को करेंगे ऐलान। ट्रंप के करीबी साथी ने इस खबर की पुष्टि की है। चीन का अंतरिक्ष में एक और लॉन्च मिशन हुआ सफल। कार्गो अंतरिक्ष यान तिणजहोऊ 5 यान अपने पूर्व निर्धारित ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया है और उसके सभी पैनल भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने जारी किया नया वीडियो, जिसमें एक ध्वज को उसके सही स्थान पर लगाया जा रहा है। और यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका उसके परमाणु हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाने जा रहा है। युद्ध के बीच रूस के एक हेलीकॉप्टर का वीडियो आया सामने, जिसमें रूसी सैनिकों ने खेरसोन में ही उसे छोड़ दिया है। दरअसल यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस के सैनिकों को खेरसोन से बाहर खदेड़ दिया है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स की दहशत का आलम यह है कि खेरसोन छोड़ने के दौरान रूसी सैनिक अपना सामान छोड़कर भाग गए।